अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तभी सेट है, ठीक ठाक खैर से अमन उमान है। भाई मैं फिर हाज़िर हो गया हूँ, और आज की जो आपने डिटेल्स चेक कर ली होंगी कि मैं किस हवाले से बात करने के लिए आया हूँ। सो बेसिकली मैं खुद मसीना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और मैंने ये स्कॉलरशिप अवेल की है, फर्स्ट ईयर भी और सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस स्कॉलरशिप डिटेल्स, ताकि जो लोग इस वक्त मसीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं और स्कॉलरशिप के हवाले से परेशान हैं, उनको इसके हवाले से डिटेल्स मिल जाएँ सारी की सारी। सही है? हाँ भाई, तो मैं इसमें बात करूँगा टोटल पांच चीज़ों के हवाले से। आपने ये वीडियो पूरी देखनी, क्योंकि फिर आप लोग सवाल पूछते हैं कि इसका मसले का हल क्या है, उस मसले का हल क्या है। तो बेहतर ये कि आप पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको ये पांचों मसलों के हल मिल जाए। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये आपके काम की वीडियो है, क्योंकि आपको बहुत सारा माल मिलने वाला है इससे। आप मुझे तो कुछ देंगे नहीं, तो मुझे अपना टाइम दे दें, ताकि मेरे लिए कुछ बेहतरी हो जाए इस टाइम के थ्रू। तो पहली बात हम ये करेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है? कौन सी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, वो सारा बता दूंगा। सेकेंडली बात ये कि इसमें कौन कौन सी आपको सर्विसेज मिलती हैं, मतलब बेनिफिट्स कौन कौन से। तीसरी बात इसमें ये होगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जिसकी वजह से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ बात ये है कि आपको कितने पैसे मिलते हैं स्कॉलरशिप में, पैसे कितने मिलते हैं, सर्विसेज अलग हैं, पैसे अलग हैं। और पांचवी बात ये है कि भाई डेडलाइंस कौन कौन सी होती है इसमें। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे एक से लेकर पाँच तक, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस तरह की चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं, और आपके लिए क्या कौन कौन सी आसानी हो सकती है। सही है जी? तो इस वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि इसमें अप्लाई कहाँ से करते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस ये है कि इसमें एक एरसू के नाम से रीजन है, बेसिकली मसीना यूनिवर्सिटी एरसू रीजनल स्कॉलरशिप के अंडर में आती है, ERSU में, उसके लिंक भी डाल दूंगा यहाँ पे। वहाँ पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है, इधर ऐसा नहीं होता। आपने अलग से एक पोर्टल है एरसू मसीना के नाम से, वहाँ जाके अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, जिस तरह से आप बाकी जगहों पर अकाउंट बनाते हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपके लिए अकाउंट बनाना कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? तो उधर जाके अपने अकाउंट बना देना। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपनी सारी डिटेल्स पुट कर देनी जो आपने पुट करनी होती है नॉर्मली। तो वहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर अपना जरूर रजिस्टर करवाएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोबाइल नंबर के थ्रू आपको मिलता है आपका OTP। तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाएंगे उसको देखिएगा कि आपका मोबाइल नंबर पाकिस्तान के अलावा यहाँ पे आके भी चले। मोस्टली मेरा यूफोन का नंबर था, वो चल रहा था पाकिस्तान से, यहाँ पे आके भी, तो OTP उसमें नॉर्मली मिल जाता है। तो आपने अपना एरसू पे अकाउंट बना लेना, सबसे पहली बात तो ये है। और आपका बहुत सिंपल से साइन अप प्रोसेस होता है, डिटेल्स पुट करनी होती है, बायोडाटा पुट करना होता है, कौन से प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हो गए, कौन से ईयर में आ गए, तो ये तमाम चीज़ें आप पुट कर देंगे तो आपका ये फर्स्ट फेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें तो लंबा सीन है नहीं, इसमें कोई लंबी कैसेट चलाने की जरूरत भी नहीं मुझे, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो अभी वाला काम कर लेंगे, सही है? हाँ भाई, तो साथ साथ अब दूसरी की पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आपको इसमें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि स्कॉलरशिप के अंदर सिर्फ पैसे नहीं मिलते, इटली आपको दमाद बना के रखता है, या आपको बहुरानी बना के रखती है अगर आपकी सांस अच्छी है तो। जो पहला बेनिफिट है वो आपके हैं पैसे, तो आपको पहले देते हैं पैसे। सेकेंडली आपको देते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन, तो जो सेकेंड इसका बेनिफिट है वो हॉस्टल अकोमोडेशन का। और थर्ड जो इसका बेनिफिट है वो है आपके मेंजा, मतलब खाने पीने का। तो समझ लें, ये समझ लें शादी नहीं करवा रहे हैं आपकी, बाकी सारे काम कर लें। शादी आपने खुद करनी तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, मैंने नहीं की, आप कर सकते हैं। आपको आप चाहें तो आपके दरवाजे खुलें, वैसे भी अच्छा काम है, करना चाहिए लोगों को। तो आपकी ये तीनों चीज़ें कवर हैं, जिसमें आपकी स्टाइपेंड, जिसमें आपका बेड सर्विस यानी कि आपको हॉस्टल मिल जाता है, और तीसरा आपको मिल जाता है आपके मेंजा यानी खाने पीने के फ्री टोकन्स। मतलब आप यूनिवर्सिटी हॉस्टल से, यूनिवर्सिटी के जो मेस मेंजा होते हैं या मेस होते हैं, वहाँ से आप फ्री में खाना खा सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट जो इसमें कवर करना चाह रहा था मैं। तो देखो यार, इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी डेडलाइंस कौन कौन सी होती है। तो मैं आपको बता दूं हाथ के हाथ, क्योंकि डेडलाइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा देख के बताऊं, क्योंकि मेरे पास लास्ट रिकॉल मौजूद है। इस ईयर अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मैं डिटेल्स बता देता हूं आपको डेडलाइंस की, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कब से आपने रेडी रहना है। फिर हम बात करेंगे इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद बात करेंगे हम कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है? जो वीडियो बने रहेगा। तो यार, आपका जो कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 14 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक। पाकिस्तानी बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पर, हमारे पीछे नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तानी बच्चे। तो 14 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक आपका यहाँ पे आप एडमिशन, आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन आपकी सारी ऑनलाइन होती है, उसमें आप अपने शायद अपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी, हो सकता है कि आपने अपना एडमिशन लेटर अपलोड करना पड़े, जो कि आपको मिल जाता है यूनिवर्सिटी मसीना से। अगर आपको वो मिल गया तो शायद आप दो डॉक्यूमेंट रखेंगे, उसके अलावा आपने कोई डॉक्यूमेंट अभी फिलहाल नहीं रखना है ना अपलोड करना है। तो आपका मैक्सिमम पासपोर्ट हो सकता है, या आपका अपना एक्सेप्टेंस लेटर हो सकता है जो आपको मसीना से मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि 21 सितंबर को एक लिस्ट अनाउंस होती है, उस लिस्ट में बता दें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, यानी कि वो 21 सितंबर को जो लिस्ट अनाउंस होगी उसमें बताएंगे किन किन लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी और किन किन लोगों को बेड सर्विस यानी कि हॉस्टल मिलेगा। तो 21 सितंबर का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपने याद रखना है, और उस दिन पे आपकी लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। 21 सितंबर के बाद क्या होता है कि 9 अक्टूबर को एक और लिस्ट अनाउंस होती है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें असाइनी बताते हैं। एरसू मसीना हमेशा ये वाला काम करता है कि दो लिस्ट हमेशा ये लोग अनाउंस करते हैं, पहले लिस्ट में बता दें कौन से लोग एलिजिबल हैं, और सेकंड लिस्ट में बता दें कौन कौन से लोग असाइनी है। तो असाइनी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 9 अक्टूबर लिस्ट में आपका नाम नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आप लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हैं। तो
9 अक्टूबर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बता देंगे कि कौन कौन से बेड सर्विसेज किन किन को मिल रही है हॉस्टल। अभी पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, पैसों वाली लिस्ट बाद में आएगी, अभी बेड सर्विसेज की लिस्ट आती है 9 अक्टूबर को। और 13 अक्टूबर से आपको हॉस्टल मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप मसीना पहुंच गए, अगर आप ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, सारे प्रोसेस में आप साथ हो चुके हैं, आपको वीज़ा मिल चुका है, तो आप 13 अक्टूबर से मूव करना शुरू कर देंगे। 13 से 16 के दरमियान आपकी पूरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो आपको डॉर्मेट्री मिलना स्टार्ट हो जाएगी, हॉस्टल का बेड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बड़े अच्छे होते हैं। फिर क्या होता है कि 8 नवंबर को एक और लिस्ट अनाउंस होती है, जिसमें आप बताते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं फर्स्ट ईयर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, यानी कि पैसों की बात हो रही है, हॉस्टल की बात नहीं हो रही है। तो 8 नवंबर को बताते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, और 10 नवंबर तक उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलना शुरू हो जाए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, तो अगर 8 नवंबर वाली लिस्ट में आपका नाम है, आप उसमें असाइनी में आ गए हैं, तो फिर आपको 10 नवंबर को आपको आपकी स्कॉलरशिप की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, जो कि मोस्टली केसेस में नहीं होता, लेकिन मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। उसके बाद क्या होता है कि एक लास्ट डेट होती है, क्योंकि अगर आप नहीं आए, अगर आप आए होंगे तो फिर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं आए तो उसके वो डेडलाइन होती है 30 नवंबर। तो बेसिकली 30 नवंबर तक आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आके फिजिकली अपलोड करने होते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, वो आपका होता है ईजे डॉक्यूमेंट। वो कैसे बनेगा उसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ इस एंड ऑफ द वीडियो, कि वो किस तरह से बनवा सकते हैं आप। साथ में अपलोड करेंगे आप अपना रेजिडेंट परमिट का रिसीट, जिसको रिचिबूता बोलते हैं, परमेसो दे सुजोर्नो की रिसीट। तो ये दो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे एरसो पोर्टल में 30 नवंबर से पहले पहले। उसके बाद क्या होता है कि 8 दिसंबर को एक और लिस्ट आ जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने 30 नवंबर तक सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए जिन्होंने मांगे। तो ये नॉन यू स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिसमें पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट आ रहे होते हैं। तो दिसंबर की 31 तारीख से पहले पहले आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, ठीक हो गया। तो ये वाली बात आपने ध्यान में रखी, सारी डेडलाइंस बता दी मैंने, डेडलाइंस एक दफ़ा दोबारा मैं आपको यहाँ शायद लिख दूंगा या बता दूंगा, लेकिन नॉर्मली ये लास्ट ईयर की डेडलाइंस थी। इस साल की डेडलाइंस हो सकता है थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन नॉर्मली होती नहीं है। तो आपने दिमाग में सारी डेडलाइंस रखनी है अपने, और ताकि आप सही तरीके से उसमें अप्लाई कर सकें, सही है जी। अच्छा भैया, बात करते हैं हम चौथी चीज़ की, जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा था, कि आपको पैसे कितने मिलते हैं, माल कितना आता है। तो माल बेसिकली आपको जो लास्ट ईयर से इन्होंने बढ़ा दिए, पहले तो इनका माल होता था कम, मतलब तकरीबन 4600 के करीब 4700 के करीब दिया करते थे ये लोग पैसे, लेकिन अब इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, और अब जो पैसे हो गए वो तकरीबन 5200 यूरो तक करीब मिलते हैं। ये वो हार्ड कैश मनी है जो आपके हाथ में आती है। इसके अलावा आपका खाना फ्री होता है, 2 टाइम का जो आप मेंजा में खा सकते हैं, ऑलमोस्ट वो पूरे साल चलता है खाना, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है आपने। और उसके अलावा जो आपके बेड सर्विसेज होती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, मतलब वो इन पैसों में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर सारी स्कॉलरशिप मिलाई जाए, तकरीबन जो नॉर्मली सारे रीजन में पैसे मिल रहे होते हैं 7500-8000 यूरो, वो सारे मिला के आपको पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे। लेकिन 5200 यूरो 5200 यूरोस आपको हार्ड कैश इन हैंड मिलेंगे, लेकिन वो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। पहले इंस्टॉलमेंट जो आपको बताया दिसंबर में आएगी या नवंबर में आएगी, जो आपको मिलनी होती है। अगर आप पहले पाल के नवंबर में आएगी, डेढ़ से आए तो दिसंबर में आएगी, तो वो आपको मिलती है तकरीबन 1500 या 1600 पहली इंस्टॉलमेंट, और सेकंड आपको मिलती है एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर में आपको जून या जुलाई में आपकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जो 3300-3400-3200 यूरो होगी वो आपको मिल जाएगी। तो ये हो गए पैसों की बात सारी की सारी, जो आपको पैसे मिलेंगे। तो इसको भी आपने मेक श्योर कर लेना है, और कोशिश करनी कि पैसे आपने लेने हैं, आपकी हक हलाली कमाई के पैसे हैं, आपने बड़ी मेहनत की पाकिस्तान में इन पैसों को हाथ करने के लिए, बड़े ऑफिस के चक्कर लगाएं, मोफा HEC बोर्ड सारे याद रखने हैं आपने, मुख्तियार कार FBR FIA जहाँ जहाँ भी आप लोग गए, तो आप छोड़िएगा नहीं, सही है। अब हम आते हैं अपने डारा लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है। देखिए, मसीना यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें एक मसला है, एक गंदी बात है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, अदरवाइज एवरीथिंग इज पर्टिकुलरली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर। तो डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आपको अपना FRC बनवाना है, उसको मोफा से अटैच करवाना है, उसके बाद अपना FBR से इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, उसको मोफा से अटैच करवाना है। आप जो भी आप घर से अम्मी को अब्बू को दिखाते हैं अपने FBR में, कोशिश करें उनके 1800 यूरो एनुअल इनकम दिखाएं, सही है। मैंने भी इतनी दिखाई थी, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी इनकम है FBR के इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर, जिसको लो इनकम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली इट्स एन इनकम सर्टिफिकेट। तो उसमें आप दिखा दें कि आपके 1800 यूरो हैं, सही है। दूसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया, और तीसरा डॉक्यूमेंट जिसको लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको नहीं है सच, यहाँ पे मसीना यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं मांगती, तो आप उसमें अपलोड भी नहीं करेंगे। आपने खाली हो सकता है कि आपने FBR के टैक्स रिटर्न्स दिखा दें, सही है। जिस इंसान का आप इनकम सर्टिफिकेट लगवा रहे हैं साथ में, उस इंसान के आप टैक्स रिटर्न्स भी दिखा दें। ऑब्वियसली जब FBR आपको निकाल के देगा सर्टिफिकेट, तो जो टैक्स रिटर्न्स के ऊपर पैसे लिखे होंगे एनुअली, वही सारे के सारे वो कॉपी पेस्ट कर देंगे आपके इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर, तो दोनों चीज़ें टैली कर जाएंगी। अब तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके ना आपने क्या करना होता है, मसीना शहर आते हैं, इधर यहाँ पर होता है काफ ऑफिस, उस काफ ऑफिस में आके उनको आप देंगे पैसे 15 या 20 यूरो, और वो 15-20 यूरो में आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देंगे जिसका नाम होता है ईजे। बेसिकली क्या करता है, यही सबसे गंदा मसला है, डॉक्यूमेंट सादे चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं है आपने, ना इटालियन में करवाना है, ना कोई आपने लीगलाइज करवाना है, सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स को आप मोफा से अटैच करवा लेंगे, टैक्स रिटर्न्स को, FBR इनकम सर्टिफिकेट को और FRC को।
इन तीनों को आपने अटेस्ट करवाने के बाद आप लेकर आ जाएंगे मसीना यूनिवर्सिटी में और आप ले जाएंगे काफ ऑफिस में, वहाँ से आपने बनवाना है ईजे। वो ईजे बनवाने के बाद जो है वो आपको दिखा देंगे, एक डॉक्यूमेंट निकाल के देंगे। वो डॉक्यूमेंट आपने 30 नवंबर से पहले पहले अपलोड करना है पोर्टल के ऊपर। अगर आप नहीं कर पाए, जिस तरह से मैं नहीं कर पाया था, बस लक चल गया था उस वक्त, अल्लाह ताला ने करम कर दिया था, लेकिन नॉर्मली 30 नवंबर जो अभी लिखा हुआ है इस लास्ट ईयर वाली कॉल में, हो सकता है इस साल भी ये वाली कॉल की डेट आए। मैं फिर भी एक डिटेल डाल दूंगा अगर हो गया तो, कोई पेज पे किसी तरह छोटी छोटी वीडियो या शॉर्ट बना के डाल दूंगा कि डिटेल्स आ चुकी हैं और क्या डेट्स हैं। तो भाई 30 नवंबर तक आपने फिजिकली यहाँ पर आके दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही करने हैं। यानी एक तो आपने अपना रिचीबूता यानी कि रिसीट अपलोड करनी है जो आप यहाँ पर रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, और साथ में अपने ईजे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। 30 नवंबर से पहले पहले आपने अपलोड नहीं किया तो भाई आपके साथ की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप गई, नहीं मिलती फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप पर। तो कोशिश करेंगे कि भाई आप 30 नवंबर तक यहाँ पर आएँ, मतलब 30 नवंबर से पहले आएँ। मतलब अगर आप 20-22 नवंबर तक भी आ जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स 2-3 दिन में बन जाते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। मैंने भी 1 दिन में या 2 दिन में डॉक्यूमेंट बनवा लिए अपने सारे के सारे। मशीन छोटा शहर है, इसमें इतनी लंबी कतारें लगानी नहीं पड़ती, काम आपके हो जाते हैं। अगर आप टाइमली सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, दुआ मांगें और अपने काम से निकल जाएँ तो आपका काम अल्लाह ताला करवा देता है, बस मेहनत करनी पड़ती है आपने। तो जी ये सारे का सारा मामला है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, जो आपको बड़ा मसला हो सकता है। आखिरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इससे लेट आते हैं, नवंबर से लेट आते हैं यहाँ पे, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और अक्टूबर जो बताया मैंने आपको डेट, अगर आपका लिस्ट में नाम आ चुका है और अगर आप अक्टूबर में नहीं आए, सही है, तो आपको हॉस्टल भी चला जाएगा आपका, अगर आप अक्टूबर से पहले नहीं आए। क्योंकि जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते और उन्होंने ईजे भी अपलोड नहीं किया होता अपना, क्योंकि ईजे अगर आप सितंबर में आके अपलोड कर देंगे तब भी आपको हॉस्टल मिलेगा, वरना हॉस्टल चलेगा आपका। तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर हॉस्टल, उसका भी एक जुगाड़ है यहाँ पे। अगर आप कोई और रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं तो वो सबमिट कर सकते हैं, उसकी अलग डेडलाइंस होती हैं, मुझे भी याद नहीं, देख के बता सकता हूँ कि इस साल क्या आएंगी, लेकिन आपको उसके रीइंबर्स हो जाते हैं पैसे। एरसू आपको रीइंबर्स कर देता है अगर आप सिटी में किसी जगह पर भी रेंट पर कमरा या बेड स्पेस लेके रहते हैं, लेकिन विद कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी बातें स्कॉलरशिप के बारे में, 4-5 बातें बता दी मैंने आपको कि बेनिफिट्स क्या हैं, डेडलाइंस क्या हैं, अप्लाई कहाँ पे करना है, पैसे कितने मिलते हैं, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं। अभी भी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आई तो आप मुझे मैसेज इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं और इधर कमेंट में भी लिख सकते हैं। मैं आजकल तो काफ़ी एक्टिव हुआ हूँ क्योंकि आजकल काम शाम करके फ्री हुआ हूँ, अपनी तरह 2-3 डिफरेंट दूसरे कामों में लगा हूँ। तो आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड यू गाइज। वीडियो लंबी हो गई लेकिन वीडियो आपने पूरी देखनी है, शेयर भी करनी लोगों के साथ। एरसू मसीना इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। इसमें लीगलाइजेशन का चक्कर नहीं है, ट्रांसलेशन का चक्कर नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाओ। नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको FRC चाहिए अपना, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए अपना और टैक्स रिटर्न चाहिए जिसके नाम पे इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं। और टाइम पर यहाँ पर आप आ जाएं, अगर टाइम पर आ जाएंगे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अल्लाह ताला आपकी आसानी फरमाए, मेरे को दुआ में याद रखिएगा। चलो सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।